Viewer, in this video, I will show you how to design envelope in Microsoft Word 2019, like this one. So this is the template number one, and this is the template number two. How to design, how to make. So let's get started. सबसे पहले new document आप open करें. Go to file, select new, and go to layout tab. यहाँ से margin आप select करें, that is narrow. Size आप select करें, that is more paper sizes. Width आप सेलेक्ट करें 9.1 इंच एंड हाइट 12x4.123 एंड देन क्लिक ओके. नाउ टू डिजाइन द हेडर एरिया, गो टू इंसर्ट टैब, सेलेक्ट शेप और यहां से शेप आप इंसर्ट करें, दैट इज राउंडेड रेक्टेंगल शेप. इसका हाइट विड्थ आप सेट करें, दैट इज विड्थ विल बी 9.3 एंड हाइट विल बी 1 इंच. इसको आप रोटेट कर सकते हैं, यहां से इसको अगर आप रोटेट करना चाहें. यहां से आप कॉर्नर को आप थोड़ा सा रिड्यूस करें और यहां पर इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. अगेन इसकी अगर आप कॉपी लेना चाहें बाय होल्डिंग कंट्रोल की, इसकी कॉपी भी आप ले सकते हैं. शेप आउटलाइन सेलेक्ट करें, नो आउटलाइन, शेप फिल विल बी रेड कलर. अगेन बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसकी एक कॉपी आप ले लें. इस शेप को आप सेलेक्ट करें, शेप फिल विल बी ऑरेंज कलर और इसको आप बैक ले जाएं. क्लिक राइट क्लिक एंड सेंड इट टू बैक एंड एडजस्ट इट बिलो द रेड वन शेप. दोनों को आप सेलेक्ट करें, गो टू फॉर्मेट टैब और इसको आप ग्रुप करें. नाउ गो टू इंसर्ट टैब, पिक्चर सेलेक्ट करें, दैट इज लोगो. लोगो आप इंसर्ट करें और इसको पोजीशन आप दे दें. फिर इसके बाद इसको आप मूव कर सकते हैं इन द डॉक्यूमेंट और इसको थोड़ा सा रीसाइज करें. फिर इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करें, गो टू इंसर्ट टैब एंड ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर आप नेम टाइप कर सकते हैं. सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट आप सेट करें, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन विल बी जीरो, शेप फिल विल बी नो फिल, शेप आउटलाइन विल बी आल्सो नो आउटलाइन और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं एनी ब्रांड नेम, टाइप हियर एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम और फिर इसके बाद इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप. Fonts will be Baron Sans and font size will be 24. इसको यहाँ पर आप properly align करें, फिर इसके बाद इसका color आप change करें, that is red color. Now go to insert tab, select a shape, this will be the rectangle shape. इसका height width आप यहाँ से change कर सकते हैं, this will be 0.4 will be height and width will be 9.1. शेप फिल विल बी रेड कलर, शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन. अगेन इसकी एक कापी अगर आप ले लें बाय होल्डिंग कंट्रोल की और इसको आप बेक ले जाएं, शेप फिल से ऑरेंज कलर सेलेक्ट करें, देन प्रॉपरली अरेंज ऑन द रेड रेक्टेंगल शेप. नाउ गो टू इंसर्ट टैब, ड्रॉ अनदर वन रेक्टेंगल शेप और इसका हाइट विड्थ आप यहाँ से चेंज करें, हाइट विल बी 2 एंड width will be 4.5. इसको आप यहाँ पर properly arrange कर सकते हैं. From the format tab, shape fill will be no fill color, shape outline will be light blue, dark blue color. और इसका weight आप change करें, shape outline width will be 3. Now draw a text box inside this rectangle shape. और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं 2, फिर इसके बाद कामा, प्रेस एंटर की एंड टाइप योर नेम, आफ्टर दैट टाइप डैश बाय प्रेसिंग हाइफन की और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं एड्रेस और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं सिटी, पोस्ट कोड, फ़ोन नंबर, लास्ट 2 विल बी ईमेल एंड द लास्ट वन विल बी सेल. ठीक है,
इसकी शेप आउटलाइन आप नो आउटलाइन सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें इनसाइड दिस रेक्टेंगल शेप। नाउ ड्रॉ अनदर वन टू रेक्टेंगल शेप टू द राइट साइड ऑफ दिस वन। रिड्यूस द साइज ऑफ दिस रेक्टेंगल शेप। शेप फिल विल बी नो फिल। शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन। या शेप आउटलाइन आप ब्लू सेलेक्ट करें और यहाँ पर टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ बारकोड। टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द होम ग्रुप। यहाँ से ब्लैक कलर आप सेलेक्ट करें और फिर इसके बाद यहाँ से टाइप करें बारकोड और टेक्स्ट का अलाइन आप सेलेक्ट करें लेफ्ट साइड। अगेन इसकी एक कापी आप ले लें बाय होल्डिंग कंट्रोल की। नेक्स्ट वन को आप रीनेम करें फादर डेट। इसको प्रॉपरली आप अलाइन करें विद द लेफ्ट वन रेक्टेंगल शेप और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं डेट। नाउ मेकिंग द फूटर एरिया ऑफ दिस एनवेलप सो गो टू इंसर्ट टैब ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स हियर। यहाँ पर मैं आइकन इंसर्ट करूँगा। सबसे पहले इसका अलाइनमेंट आप सेट करें दैट इज़ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मार्जिन विल बी ज़ीरो। और इंसर्ट टेप से आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन सिंबल को इंसर्ट करना चाहता हूँ। इसको मैंने इंसर्ट किया फिर इसके बाद इसको आप सेलेक्ट करें। टेक्स्ट बॉक्स का शेप फिल आप सेलेक्ट करें नो फिल। शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइंस। और इसके अलावा फ़ोन का कलर आप चेंज करें दैट इज़ वाइट कलर। नाउ ड्रॉ अनदर वन टेक्स्ट बॉक्स फॉर द फोन। दोनों को आप प्रॉपरली अलाइन करें। इस टेक्स्ट बॉक्स का शेप फिल सेलेक्ट करें नो फिल। शेप आउटलाइन विल बी नो आउटलाइन। और फिर इसके बाद फ्रॉम द होम टैब इसका फ़ॉन्ट कलर आप चेंज करें वाइट बाय यूजिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल। इन दोनों को आप सेलेक्ट करें और इसको आप ग्रुप करें। गो टू फॉर्मेट टैब। यहाँ से ग्रुप ऑप्शन आप सेलेक्ट करें देन बाय होल्डिंग कंट्रोल की इसकी कापीज आप ले लें और हर एक को वन बाय वन रीनेम करें। यहाँ पर इन आइकन आप चेंज कर सकते हैं। दिस विल बी द लोकेशन सिंबल और यहाँ पर आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन विल बी एनवेलप मींस दिस विल बी द ईमेल। यहाँ पर ईमेल आप टाइप कर सकते हैं। राइट वन को आप रीनेम करें फॉर द वेब एड्रेस। यहाँ पर वेब एड्रेस आप टाइप कर सकते हैं। Now to take a copy of the this envelope and paste it on the another page. और यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं फॉर द टेक्स्ट फॉर द हेडर एरिया और इसी तरह लोगो को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके कलर करेक्शन आप कर सकते हैं और लास्ट वन फुटर एरिया का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।